नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन इन एन अरे और डिलीशन इन एन अरे। हम इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट को अपने एग्जिस्टिंग अरे में। एक्चुअली इंसर्शन इन एन अरे मींस इट इज एन इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द अरे मींस एडिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरे। इट मींस अगर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई डेटा अरे है which have five elements, you can say that is a A of five elements, or I have to insert some element, suppose at second position. तो आप उस value को कैसे insert करोगे? Suppose I have already data 23, 16, 17, 18 और 19 data is here. अब और इसकी indexing आपको पता है, index कैसे करते हैं? A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 and A of 4 is there. A of 2 position पर suppose that मेरे पास 5 value है. इस value को मुझे insert करना है second position पे, means इस position पे मुझे insert करना है. और इस position में already 17 value is there. इसका मतलब अगर मुझे इस already existing array में कोई element store कराना है, तो मुझे इस position को free करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर मुझे वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अरे है, इस पर्टिकुलर अरे में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू तो ऑलरेडी एज इट इज, बट जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी जिसको मुझे फ्री करना है, हम ये कर सकते हैं कि इंसर्ट करना है तो नेक्स्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक पोजिशन प्लस वन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पोजिशन और इस वैल्यू को नेक्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट कराएंगे। इट मीन्स वॉट, हम अपनी एक पट्टी इस पर्टिकुलर अरे का साइज, अभी हमारा क्या था, लेंथ ऑफ द अरे इज 5, अब हम जो नेक्स्ट साइज ऑफ अरे बनेगा वो साइज ऑफ अरे हम क्या कर देंगे, एन प्लस वन। मीन्स हमारे पास 5 एलिमेंट है और हमें एक 6th एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो अब हमारे अरे की साइज कितनी हो गई, 6 हो गई, मीन्स एन प्लस वन और यू कैन से 6। तो अब मेरे पास जो एलिमेंट इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज हमें सेकेंड पोजिशन फ्री करनी है। हम क्या करें, जो मेरी लास्ट वाली पोजिशन है ए ऑफ 4, इस पर्टिकुलर पोजिशन को हम क्या करें, नेक्स्ट पोजिशन पे कर दें 19, नेक्स्ट इस पोजिशन को 18 और 17 वाली पोजिशन को, मतलब ए ऑफ 2 वैल्यू जो थी, क्योंकि मुझे यही इंसर्ट कराना है, तो ए ऑफ 2 को हम ए ऑफ 3 कर दें। यहाँ पर हमने 17, मतलब वन प्लेस मैंने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द पोजिशन विच आई वॉन्ट टू इंसर्ट। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में ये जो मेरी ए ऑफ 2 पोजिशन थी ये फ्री हो गई। इस फ्री एलिमेंट में अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। बट नाउ आफ्टर इंसर्टिंग हमारी वैल्यू, हमारा जो अरे का साइज था वो वैल्यू मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नाउ व्हाट विल बी द एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट। एल्गोरिदम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक आई पोजीशन ली इस पर्टिकुलर अरे के लिए, और उस आई इक्वल्स टू एन को हमने क्या करा, दैट इज योर साइज ऑफ अरे। ये आपका क्या हो गया, साइज ऑफ द अरे, जो टोटल कंप्लीट साइज था आपका। इस समय आपका टोटल कंप्लीट साइज क्या था बिफोर इंसर्शन, दैट इज 5। तो आपके पास इस समय इसकी पोजीशन क्या हो गई, 5। अब नेक्स्ट क्या करा, अब आपने एक कंडीशन रखी, दैट इज व्हाट, आई इज ग्रेटर देन पोजीशन। तो आई इज ग्रेटर देन पोजीशन के टाइम में आपने क्या करा, जिस भी पोजीशन पर आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है, उसे फ्री करना है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराने जाना है वैल्यूज को। तो अब आप क्या करेंगे, ए ऑफ आई की वैल्यू को ए ऑफ आई माइनस 1 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द लूप, और उसके बाद आपकी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। और जब आपकी ये पोजीशन फ्री हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, दैट इज व्हाट योर 5 और वट एवर यू वॉन्ट, जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। तो सिंपल एल्गोरिदम इज दैट कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू को इंसर्ट कराना है साइज ऑफ द अरे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या करोगे, एक एक पोजीशन उसको स्टेप अप करते जाएंगे और एग्जिस्ट कर देंगे लूप को। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये ज्यादा इजीली समझ आएगा। सपोज दैट आई हैव एन अरे इंटीजर ऑफ
ए ऑफ 5। ये मेरे पास 5 एलिमेंट है और इस 5 एलिमेंट में सपोज 23, 26, 81, 82 और 90 एलिमेंट सपोज, और आई हैव टू इंसर्ट अ वैल्यू दैट इज 100। इस वैल्यू और इसकी पोजीशन हमने कही ए ऑफ 2 पोजीशन पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कराना है। हमें क्या करना है, इस ए ऑफ 2 पोजीशन पे अगर मुझे इंसर्ट कराना है तो उसके लिए अगर सिंपल सा मेथड देखें, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे ये क्वेश्चन, हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ए ऑफ 5, तो हमारी जो इंडेक्सिंग पोजीशन है अगर उसे हम ड्रॉ करें तो मेरे पास क्या है 5 एलिमेंट, मीन्स लेंथ ऑफ द अरे इज 5। तो आपके पास जो एलिमेंट्स आए 23, 26, 81, 82 एंड 90 इज देयर, और इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4 इज देयर। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेकिन इसने कहा ए ऑफ 2 पोजीशन पे मुझे 100 चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे क्या इंसर्ट कराना है 100 वैल्यू, बट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑलरेडी मेरे पास समथिंग कोई वैल्यू है दैट इज 81, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस वैल्यू को फ्री करना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे रिमूव तो नहीं करना, तो मुझे नेक्स्ट पोजीशन इसे शिफ्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहली बात हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने अरे के साइज, जो भी मेरा अरे का साइज था ए ऑफ साइज, अरे का जो भी साइज था उस साइज को मुझे क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। सिंपल मेथड कि हम एक साइज इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हम स्टेप अप करते जाएंगे एक एक वैल्यू स्टेप अप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये एल्गोरिदम पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इंसर्ट कराना होगा वैल्यू के लिए, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एक सिंपल सा मेथड चाहिए कि इंसर्शन इन एन अरे, इंसर्शन इन एन अरे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक लूप लगाया, अभी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपली कैसे इंसर्ट करेंगे हम ये देख रहे हैं। एक लूप चलाया हमने फॉर आई इक्वल्स टू साइज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे, फिर आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, कंडीशन हमने फॉर लूप की क्या रखी, टर्मिनेटिंग कंडीशन इज आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, मतलब जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर मुझे वैल्यू को एग्जिट कर जाना है वो मेरी ये पोजीशन है दैट इज ए ऑफ 2, और उसके बाद हम इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और नेक्स्ट जब अगर ये वैल्यू मेरी ट्रू हो रही है तो ए ऑफ आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई माइनस 1 कर देंगे, अदरवाइज अगर ये वैल्यू मेरी फॉल्स हो गई, फॉल्स मतलब आई इज लेस देन पोजीशन हो गई, तो हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब इसे हम एक टेबल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। अगर मैं एक टेबल बनाऊं दैट इज व्हाट, जैसे अगर मेरे पास एक पोजीशन के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट आई है, नेक्स्ट आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, और नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ आई की वैल्यू को ए ऑफ आई माइनस 1 कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एक स्टेप शिफ्ट करते जाना है और आई माइनस माइनस हो गया। अब इस टाइम आप क्या करो, स्टार्टिंग पोजीशन मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो आई इक्वल टू साइज था, मतलब लेंथ ऑफ द अरे, दैट इज एट द स्टार्टिंग पोजीशन, जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उस समय आई की वैल्यू मेरी 5 है। अब हमें चेकआउट करना है कि आई इज ग्रेटर देन पोजीशन और नॉट, इस समय मेरे पास पोजीशन क्या है, मुझे सेकेंड एलिमेंट पे वैल्यू को पुट करना है, तो आई इज ग्रेटर देन पोजीशन का मतलब हुआ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू हो गई। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम इस पोजीशन पे जा सकते हैं, दैट इज व्हाट ए ऑफ 5 इक्वल्स टू ए ऑफ 4 आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस मीन्स क्या हुआ, आई अभी 5 थी ये 4। अब जो ये फर्स्ट वाला लूप हमारा चला उस लूप के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, ये जो मेरे पास लूप आया अभी मेरे पास क्या पोजीशन वैल्यूज थी, मेरे पास जो भी पर्टिकुलर पोजीशन थी वो इस तरीके से आपने बनाया था 23, 26, 81, 82 एंड 90 वॉज देयर। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मेरे पास ए ऑफ 5 वैल्यू थी अब वो ए ऑफ 4 बन गई, हमने एक साइज इक्वल्स टू +1 कर दिया, तो ये वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4
और फिफ्थ पोजीशन है। इस टाइम मैंने 90 की पोजीशन को क्या कर दिया है, इधर ए ऑफ 5 इक्वल्स टू ए ऑफ 4, जो भी ए ऑफ 4 की वैल्यू है वो हमारी 5 में स्टोर हो गई। तो एट दैट पोजीशन जब आपने कहा कि ए ऑफ 5 इक्वल्स टू ए ऑफ 4, इसका मतलब हुआ ए ऑफ 5 अभी ब्लैंक था, अब ए ऑफ 5 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, जो भी उसकी वैल्यू थी 90। डन। अब नेक्स्ट पोजीशन पे जब हम करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, इस बार मेरे पास न्यू आई इज 4। 4 को अगेन हम चेक करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 ग्रेटर देन 2 मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो अब आपने क्या करा, ए ऑफ 4, अब हम फिर इस कंडीशन पे आते हैं, ए ऑफ 3 इज देयर, ए ऑफ 3 आ गया तो हमें आई माइनस माइनस करना है। आई माइनस माइनस का मतलब हुआ मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। इट मीन्स अब मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे 90 आ गया था, अब मेरे पास क्या आ रहा है, ए ऑफ 4 इक्वल्स टू व्हाट, ए ऑफ 3। ए ऑफ 4 अभी ब्लैंक हो गया क्योंकि 90 की पोजीशन चेंज हो गई है। अब मेरे पास ए ऑफ 3 इज व्हाट, 82 था, तो ए ऑफ 4 की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ गई, 82 आ गई, ये वैल्यू इस साइड शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट फिर से आप यही काम फिर से रिपीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो पोजीशन है वो लेस देन नहीं हो जाती, ये कंडीशन जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाती। फिर से हम करेंगे 3, 3 इज अगेन ग्रेटर देन 2, तो आपने कहा दैट इज ट्रू, ए ऑफ 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 2 वैल्यू हो गई, और आपने इसको आई माइनस माइनस मीन्स ये वैल्यू आपकी हो गई 2। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट पोजीशन आई वो क्या हो गई, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 इज व्हाट, इस समय आपके पास ए ऑफ 3 वैल्यू पर आपकी पोजीशन क्या बन गई, ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 की वैल्यू इस समय क्या है, 81 है। तो अब ए ऑफ 3 पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई, दैट इज 81, और नाउ ए ऑफ 2 विल बी ब्लैंक, अब आपका जो ए ऑफ 2 वैल्यू है वो ब्लैंक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट आपकी आई की वैल्यू आई 2, 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है ये, दैट इज दैट इट इज फॉल्स, फॉल्स, तो यहीं से आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट यहाँ जैसे ही लूप एग्जिट कर रहा है, इस टाइम आपके पास जो पोजीशन आई वो पोजीशन क्या बन गई मेरी, ए ऑफ पोजीशन मींस ए ऑफ 2 इक्वल्स टू एलिमेंट दैट इज 100। तो अब हम इस पोजीशन में जब मेरे पास ये पर्टिकुलर लूप मेरा एग्जिट कर गया, तो ए ऑफ 2 में मैंने वैल्यू क्या इंसर्ट करा दी, 100, हमें यही इंसर्ट करानी थी वैल्यू, इंसर्शन ऑफ द अरे। ये सिंपल सा लॉजिक कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कैसे कराएंगे। अब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपके पास वैल्यू कैसे आप इंसर्ट कराते। सपोज दैट हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नंबर, एक इंसर्ट करना है एक नंबर ऑफ अ गिवन लोकेशन। अगर आपके पास एक गिवन लोकेशन इन एन अरे करना है, तो नेक्स्ट आपने क्या करा, अगर आपके पास ये इंसर्ट अ नंबर एट अ गिवन लोकेशन इन एन अरे करना है, तो हमेशा जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, हम यही काम करेंगे अपना। नेक्स्ट क्या करा, हमने एक वॉइड मेन लगाया जैसे हम हमेशा करते हैं। इस बार हमने क्या करा, वैल्यूज इंसर्ट करी आई एन नंबर एंड पोजीशन, इन विच पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट, और एक मेरे पास अरे है दैट इज अ 10 एलिमेंट का एक अरे। आप कैसे इसे डिनोट करोगे, सपोज आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। इस टाइम आप अरे की पर्टिकुलर पोजीशंस नहीं बता रहे हो, केवल एलिमेंट्स पुट कर रहे हो। इस स्कैनफ में आपने क्या करा, मॉड्यूल डी, क्योंकि इंटीजर अरे लिया था हमने, और एम्परसेंड एन कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये हम अरे का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक वैल्यू इंसर्ट कराई है। तो प्रिंटफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑफ
मॉड्यूल डी इक्वल्स टू आई। ये जो मॉड्यूल डी है ये आई वैल्यू ले रहा है क्योंकि हम अभी सिंपल स्कैनिंग करा रहे हैं, और स्कैन एफ में मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूल डी ऑफ एम्पसेंड ऑफ ए आई। इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमने अभी सिर्फ स्कैनिंग करी है, मीन्स वैल्यू को हम इंसर्ट कर रहे हैं अरे में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंटेफ लिखेंगे और इसमें बताएंगे कि इंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, कौन सा नंबर हमें इंसर्ट करना है और कौन सी पोजीशन पे करना है। तो पहले तो हमने लिख दिया नंबर टू बी इंसर्टेड, दैट इज मॉड्यूल डी एम्पसेंड ऑफ नंबर, और फिर हमने क्या करा कि एक प्रिंटेफ पोजीशन एक और ले ली, उसमें बता दिया कि इंटर द पोजीशन, इंटर द पोजीशन एट विच द नंबर हैज टू बी एडेड, जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन पर मुझे नंबर को एड कराना है। यहां से भी आपने एक पोजीशन ले ली स्कैन एफ करके, नेक्स्ट पोजीशन इज व्हाट, मॉड्यूल डी। इस बार पोजीशन हमारी क्योंकि इंडेक्सिंग है तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, और यहां हम क्या करेंगे एम्पसेंड ऑफ पोजीशन इज देयर। अब इस पोजीशन के लिए अब जो मुझे एक्चुअल में लॉजिक लगाना है वो लॉजिक क्या हो जाएगा हमारा, फॉर जो अभी हमने पढ़ा था आई इक्वल्स टू एन, एक्चुअली एन इज व्हाट, दैट इज द साइज ऑफ द अरे, दैट इज 10। यू कैन राइट इट हियर 10 क्योंकि मेरा अरे साइज 10 है। फिर आपने क्या करा, आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, किस पोजीशन पे जाना है और उसको मुझे आई माइनस माइनस करते जाना है। फिर ए ऑफ आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए ऑफ आई माइनस वन में सेट करेंगे, और अगर ये वैल्यू एग्जिट करता है लूप मेरा तो ए ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, जो भी मेरा एलिमेंट था, एलिमेंट मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, दैट इज हियर एज अ नंबर आपने ट्रीट किया ऐसे, और इससे हमने क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दी पोजीशन। अब तो अब आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट करी लास्ट में, द अरे आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन अब आपको प्रिंट कराना है मॉड्यूल डी इज क्या अरे आ जाएगा, आपने उसमें एक और वैल्यू इंसर्ट कराई, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप भी इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या कर दिया, अब अरे की जो साइज था अब क्या हो गया n नहीं हुआ, अरे का साइज मेरा n प्लस वन हो गया है, तो अरे का साइज मेरा i इज लेस देन n प्लस वन i प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या करा हमने प्रिंटफ करा दिया, प्रिंटफ में a ऑफ मॉड्यूल d इज देयर, और इस वैल्यू में हमने क्या करा मॉड्यूल d इज देयर i और a ऑफ i इज देयर, तो और आपने वैल्यू को प्रिंट करा दिया। इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले तो मेरा आउटपुट आएगा इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने कितने भी एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, सपोज आपने 6 कराए, फिर उसकी इंटर द वैल्यूज आ गई, तो इंटर द वैल्यूज आपने मतलब वैल्यू को इंसर्ट कराया, तो इंसर्शन मेरा क्या हो गया, सपोज आपने 23, 16, 14, 18, 17 व्हाटएवर आपने वैल्यूज इंसर्ट कराई। अब नेक्स्ट आएगा इंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, कौन सी वैल्यू आपको इंसर्ट करानी है, वो वैल्यू मेरी क्या थी नंबर टू बी इंसर्टेड, सपोज 7 इज देयर, तो अब इंटर द पोजीशन, नेक्स्ट आउटपुट आएगा आपका इट कैन आस्क इंटर द पोजीशन, तो जो भी आपको पोजीशन लेनी है वो सपोज 2 है, तो अरे अब द अरे आफ्टर इंसर्शन, अरे आफ्टर इंसर्शन आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये क्या है 23 इज देयर, 16 इज देयर, 0, 1 और सेकंड पोजीशन पे मेरे पास क्या आ जाएगी 7 और नेक्स्ट आपके पास 14, 18 और 17, दैट विल बी द आंसर। थैंक यू।